दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यदि आप किसी तरह का ट्यूशन देते थे तो यदि आप जो उसको यदि आप ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं तो किस तरह से आप अपने मोबाइल फ़ोन से पढ़ा सकते हैं। आज की इस वीडियो में पूरा कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर को ओपन कर लेना। प्ले स्टोर में जाने के बाद फिर यहाँ पर आपको जो एक चीज़ टैप करना है, टीच मी टैप करना है। शायद आपको इसके बारे में पता भी होगा, अगर नहीं पता है तो आप पूरा देख सकते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे टीच मी जैसे आप टैप करोगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट लिंक दिखा देगा इसको आपको क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। तो इसी एप्लीकेशन के मदद से अगर आप टीचर हो तो भी आप यूज कर सकते हो, अगर आप एक स्टूडेंट हो किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहते हो तो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर देना। जैसे आप इंस्टॉल बटन पर क्लिक करोगे बस कुछ ही देर बाद यह एप्लीकेशन जो आपके मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा। टीचर और स्टूडेंट के लिए दोनों के लिए सेम जो है ये एप्लीकेशन है, बस रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद फिर यहाँ पे आपको ओपन बटन पे क्लिक कर देना। जैसे आप ओपन बटन पे क्लिक करोगे इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसमें जो आप जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हो वो आप यहाँ पे एप्लीकेशन सेटिंग के लिए उसको आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे इतना सारा लैंग्वेज दिया हुआ, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, जो भी आप यूज करना चाहते हो आप कर सकते हो। यहाँ पे हम इंग्लिश ही रहने देते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे लैंग्वेज, उसके बाद जो अगला इंटरफेस जो आपके सामने में आएगा वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। टाइप करने के बाद यहाँ पे जो ओटीपी है, यदि सेम मोबाइल रहेगा तो उससे ओटीपी जो है सेम अपने आप ऑटो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको जो है क्लास का नाम लिख देना है, क्लास रूम का नाम, जिस भी चीज़ का आप क्लास देना चाहते हो उसका नाम यहाँ पे टाइप कर देना है। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट में जो है, सब्जेक्ट में जो भी चीज़ जैसे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जो भी चीज़ है वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना। तो यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे कंप्यूटर के बेसिस पे दिखा रहे हैं तो आपको हम यहाँ पे कंप्यूटर लिख दिया है। यहाँ पे जो नीचे में कैटेगरी दिया हुआ जैसे क्लासरूम टाइप, इसमें आपको यहाँ पे ट्यूशन कोचिंग के लिए अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ऊपर वाला सेलेक्ट कर लेना है। स्कूल कॉलेज से यदि के स्टाफ है तो उसके लिए आपको यहाँ पे, यदि आपको भी एडिशनल क्लास दे रहे तो उसके लिए यहाँ पे हॉबी अदर क्लास, तो इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इसके ऊपर में क्लिक कर देते हैं तो आपका जो ये आईडी रहेगा, ये आपका जो आईडी हो गया, इसको आप जो है किसी स्टूडेंट के साथ में यदि आप इसको शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे इन्वाइट बटन पे क्लिक करके किसी भी सोशल साइट के थ्रू से आप उसको शेयर कर सकते हो। अदरवाइज फिर यहाँ पे आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जैसे कोई भी व्हाट्सएप हो उसको वहाँ पे ओपन करके चैट सेक्शन में जा करके इसको आप पेस्ट कर सकते हो। उसके अलावा काफ़ी चीज़ इसमें दिया हुआ, लाइव भी कर सकते हो इसमें, उसके साथ ही साथ यहाँ पे जो है रिकॉर्डिंग कर सकते हो। रिकॉर्डिंग में यहाँ पे इनवाइट कर सकते हो स्टूडेंट को, उसके साथ ही साथ यहाँ पे टेक्स्ट ले सकते हो। टेक्स्ट में जो है यहाँ पे यदि आप इसमें कुछ क्रिएट करना चाहते हो तो वो भी आप बना सकते हो। सेम इसी तरह से जो है आपको, अगर आप स्टूडेंट के लिए रजिस्ट्रेशन करते हो तो भी आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। अपने मोबाइल फ़ोन में इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद फिर ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद फिर यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखा देगा, टीचर और स्टूडेंट। यदि आप स्टूडेंट के लिए यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको जो है नाम टाइप कर देना है अपना, जो भी आप नाम टाइप करना चाहते हैं। नाम टाइप करने के बाद फिर यहाँ पर हम स्टूडेंट के ऊपर में क्लिक कर दिया तो यहाँ पे स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लेना, कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना। कंटिन्यू बटन पे क्लिक जैसे हम कर दिए तो ये जो है, क्योंकि हम यहाँ पे लिंक के थ्रू से जो है यहाँ पे हम ज्वाइन किए हैं। अब यहाँ पे आपको करना क्या होगा, तो यहाँ पे आपका सारा चीज़ जो है सेट हो चुका है। यहाँ पे व्यू टाइमलाइन आप देख सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है पेंडिंग ये दिखा रहा है एडीसी कोर्स। यहाँ पे एनरोल क्लास, यहाँ पे जैसे आप एनरोल पे क्लिक करोगे यहाँ पे जो क्लास का आईडी यहाँ पे था आपका, उसको आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। या जैसे मैसेज आपके मोबाइल फ़ोन में आएगा वो उसमें लिखा हुआ रहता है, या फिर आप जिस भी सेंटर से जुड़ना चाहते हैं तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं। तो यहाँ की टीचमिट ऐप का जो है आप आईडी क्या है, तो वो यहाँ पर आपको टाइप करके यहाँ पर एनरोल क्लास रूम बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक कर देते हो तो फिर उसके बाद जो है कुछ इस तरह से आपके सामने में ऑप्शन आएगा एनरोल क्लास रूम। ये आपका सक्सेस हो चुका है। कुछ क्रिएट करना चाहते हो तो वो भी आप बना सकते हो। तो आपको यदि किसी स्टूडेंट के थ्रू से अगर आपको जो है यहाँ पे इनवाइट मिलता है तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे स्टूडेंट सेक्शन में जाना है।
स्टूडेंट सेक्शन में जानेंगे, फिर यहाँ पे जो यहाँ पे आपको जो भी इनवाइट मिला है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ पे आपको जो है तो यहाँ पे सारी चीज़ हम सेट कर लिए, पीडीएफ भी अटैच कर लिए। अब यहाँ पे सेव एंड क्रिएट बटन पे क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे जो ऐड सॉल्यूशन इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे ए मैक्सिमम ऑफ 12 फाइल कैन बी ऐड, एक साथ में आप जो है 12 फाइल को ऐड कर सकते हो, चाहे वो पीडीएफ हो या फिर कुछ भी हो। तो यहाँ पे ऐड सॉल्यूशन बटन पे क्लिक कर देना है आपको। यहाँ पे अगर आप पीडीएफ लोड करना चाहते हो तो पीडीएफ आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो है उसके बाद फिर इमेज अगर सेव करना चाहते हो तो यहाँ पे इमेज में जाना है। इमेज में जाने के फिर यहाँ पे कोई भी एक इमेज आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देना है, तो ये आपका सक्सेसफुली हो जाएगा। फिर यहाँ पे स्टूडेंट सेक्शन में जाना है। यहाँ पे चैट अगर आप करना चाहते हो, स्टूडेंट से चैट कर सकते हो, कुछ भी नोटिस देना चाहते हो तो यहाँ पे नोटिस दे सकते हो। जितना भी स्टूडेंट आपसे जुड़ा रहेगा सबको ये नोटिस चले जाएगा। असाइनमेंट है, स्टडी मटेरियल वगैरह, आप ऑडियो वीडियो कुछ भी लोड कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें मेन फीचर्स है, यदि आप यूट्यूब से कोई भी वीडियो को यहाँ पे कनेक्ट करना चाहते हो, आपका यूट्यूब का चैनल है, यूट्यूब वीडियो में जाना है। यहाँ पे ऐड यूट्यूब वीडियो पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे वीडियो का टाइटल दे देना है, जो भी आप टाइटल देना चाहते हो। जैसे अभी हम कंप्यूटर के रिलेटेड यहाँ पे करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे दे दिए कंप्यूटर बेसिक या फिर कंप्यूटर फंडामेंटल। अब यूट्यूब में जाना है, वहाँ पे जो आपका यूआरएल होगा उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर हम यूट्यूब का लिंक कॉपी कर लिए, यहाँ पे आकर के पेस्ट कर दिए। डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ पे दे दिए फंडामेंटल। तो जो भी आपका काम है उसके रिलेटेड आप यहाँ पे दे सकते हो डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे हम सारा चीज़ टाइप कर दिए है। अब यहाँ पे सेव एंड क्रिएट बटन पे क्लिक कर देना। ये आपका जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। डॉक्यूमेंट अगर आप ऐड करना चाहते हो तो डॉक्यूमेंट भी ऐड कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीके से आप इस एप्लीकेशन का फ्री ऑफ कॉस्ट में यूज कर सकते हो। और साथ ही साथ आपका जो भी स्टूडेंट है 10 20 50 100 200 उससे आप कनेक्ट हो सकते हो। जो भी आप देना चाहते हो ट्यूशन, जो भी मटेरियल ऐड करना चाहते हो उसको आप घर बैठे कर सकते हो। साथ ही साथ स्टूडेंट के लिए भी अगर आप करना चाहो तो उसको भी आप मैनेज कर सकते हो। अब दोस्तों ये अपडेट आप सभी दोस्तों को पसंद आया होगा। यदि आपको रजिस्ट्रेशन करने में चाहे स्टूडेंट या फिर टीचर के लिए किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये अपडेट आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।